हेलो और फिर से स्वागत है स्पाइस बॉक्स में। आज हम बनाएंगे एक पंजाबी पेंसनेला। अब पेंसनेला एक सैलड है जो बनता है टमाटर और स्टेल ब्रेड के साथ। इसको कवर करेंगे अच्छे से विनेगरेट के साथ और परफेक्ट है गर्मियों के लिए। ऑफ कोर्स हम बदलेंगे रेसिपी को और केपर्स की जगह पे मैं सूखा भून लूंगी मेथी दाने और कलौंजी को। इसका है बहुत ही नटी और पेपरी स्वाद और इसके है बहुत सारे सेहत के गुण। तो यहाँ पंजाब मिलता है पेंसनेला को और बनाने के लिए अच्छी सी रेसिपी हमें चाहिए एक कप भर के बारीक कटा धनिया, चुटकी भर पिसी हुई काली मिर्च, मेरे पास है एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, दो चम्मच भर के वॉरचेस्टर सॉस, एक चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच नमक। तो ये थी विनेगरेट की साइड। अब बनाने के लिए सैलड हमें चाहिए 150 ग्राम स्टेल ब्रेड। मैं ले रही हूँ फ्रेंच ब्रेड, लेकिन आप ले सकते हैं कुछ भी जैसे टेयर बैटर। मेरे पास है आधा चम्मच आमचूर पाउडर या ड्राई मैंगो पाउडर, मेरे पास है आधा चम्मच मेथी के दाने, आधा चम्मच कलौंजी, दो पके हुए टमाटर, मेरे पास है एक कप भर के रेड कैप्सिकम या रेड बेल पेपर्स, मेरे पास है एक कप भर के बारीक कटी हुई बेसिल और हरे प्याज। अब मुझे आपको बताना है कुछ ये जादुई बीज के बारे में। आइए शुरू करते हैं कलौंजी के साथ। कलौंजी बहुत अच्छे होते हैं सोर थ्रोट या अस्थमा के लिए, लेकिन ये रिपोर्टेडली हेल्प करते हैं कम करने में पार्किंसंस डिजीज के इफेक्ट और कैंसर के भी। और मेथी के दाने भी मदद करते हैं इंसोम्निया में, डायबिटीज में और डाइजेशन में भी। ये रखते हैं आपका हार्ट हेल्दी, घटाके कोलेस्ट्रॉल के इफेक्ट्स। आइए सबसे पहले सूखा भून लेते हैं। इसे हम भून लेंगे इसी तरीके से जब तक कि ये हो जाए ब्राउन और अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से भुन चुके हैं। मैं इसको डाल दूंगी मिक्सी में और पीस कर बनाऊंगी अच्छा सा पाउडर। अब मैंने इसे पीस लिया है और इसकी आ रही है अच्छी सी अर्दी खुशबू। अब मैं इसे निकाल लूंगी बोल में और हम इसमें से डालेंगे चुटकी भर के अपने सैलड के ऊपर। तो आइए बनाते हैं हमारा विनेगरेट। मैंने लिया है 5 चम्मच भर के तेल और अगर आपके पास है तो लीजिए ऑलिव ऑयल। आइए इसमें डालते हैं नींबू का रस, नमक, अपना वॉरचेस्टर सॉस और अदरक और लहसुन का पेस्ट। और यहां हमें मिल रही है किक वो पंजाबी फ्लेवर की। अब डालेंगे धनिया, तैयार है बहुत ही लीफी विनेगरेट। और ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए जब आप इसे बनाएं। तो आइए बनाते हैं अपना सैलड। मैंने ब्रेड को काटा है अच्छे से चंकी पीसेस में। मैं डालूंगी यहां ब्रेड और बेसिल, टमाटर, प्याज, और लाल कैप्सिकम। मैं सब कुछ अच्छे से मिला लूंगी। और ये दिख रहा है इतना जायकेदार, जूसी और रंग बिरंगी। मुझे इस डिश में बेजल का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई आमचूर पाउडर या मैंगो पाउडर और ये इसको देगा एक बहुत ही अच्छा सा जेस्टी स्वाद। इसको छिड़केंगे इसके ऊपर। बाकी के पिसे हुए मसाले हम लेंगे चुटकी भर और इसको रखेंगे दूसरी रेसिपी के लिए। ये है एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन। अब मैं डालूंगी मेरा विनेगरेट सबसे ऊपर। रख दीजिए इसे फ्रिज में और आप इसे सर्व करिए अच्छे से चिल्ड।
ओके, तो ये है मेरा पंजाबी पेंसिनेला। एक इंडियन लड़की हो टेस्कनी में ऐसा सैलड, मेडिटेरेनियन। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और जायकेदार भी। इसमें कोई भारी सामग्री नहीं है जैसे कि क्रीम, सिर्फ रॉ इंग्रेडिएंट्स ड्रेस्ड टू परफेक्शन।